अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही स्पेशल अनबॉक्सिंग। गाइज, आप लोग गेस कर सकते हैं आई थिंक आज की इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइज, मेरा नाम है उसामा, आप देख रहे हैं आइसरॉयड। चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा सब्सक्राइब कर लें, साथ एक बेल आइकन और उसे क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आप लोग तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अब ये रहा मी बैंड 3, इसे चाइना में लॉन्च किया गया था। फाइनली ये पाकिस्तान में ले आया हूँ अनबॉक्सिंग इसकी मी बैंड 3 की। आज की इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं ये जो डिवाइस है ओवरऑल कैसी है और उसमें हमें क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये आप लोगों के सामने बॉक्स है मी बैंड 3 का, इसे मैंने बाय किया ऑलमोस्ट 6,000 रुपये के करीब प्राइस है इसका पाकिस्तान के अंदर। आई थिंक थोड़ा ज़्यादा रखा गया, बहरहाल ये प्राइस सिस्टम चल रहा है इस ब्रांड का पाकिस्तान के अंदर। अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो आप लोग बाय कर सकते हैं। ये बॉक्स है, बैक के ऊपर अगर आप देखें यहाँ पर तो आप लोगों को स्पेसिफिकेशंस आई थिंक लिखी जाती हैं चाइनीज़ में है सारा कुछ। जैसे आप लोगों को 110 mAh की आई थिंक बैटरी मिलती है, एंड्रॉयड 4.4 है और DC 5.0 वोल्टेज और यही कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, कुछ समझ नहीं आ रही ज़्यादा। बहरहाल हम जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं जो बैंड है वो कैसा है यहाँ पर। तो गाइस जल्दी से हम यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं बाहर यहाँ से। और सबसे पहली चीज़ जो हमें मिलती है वो ये है बैंड एक, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मी बैंड 3 से मैं साइड पे करता हूँ। उसके अलावा देखें बॉक्स के अंदर तो आप लोगों को एक ये बैंड मिल जाता है, और यहाँ पर देखें अगर हम इस जगह पर तो यहाँ पर आप लोग को एक केबल मिल जाती है जो कि चार्जिंग के लिए आप लोगों को मिली है। यहाँ पर आप लोग इस सिंपली किसी भी अडाप्टर में इसे प्लग इन कर इसे चार्ज कर सकते हैं। इसे भी साइड पर करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। तो यहाँ हमें एक क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाती है, इसे बाहर निकाल लेता हूँ। ये अगर आप लोगों को यूज़ करना नहीं आता तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी इतनी बड़ी गाइड, तो आप लोग सिंपली यहाँ से देखकर इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे भी साइड पे करते हैं। ये कुछ चीज़ें निकली हैं इसके बॉक्स के अंदर से, अब मैं इसे बाहर निकालता हूँ यहाँ से। और ये रहा आप लोग का मेन बैंड, आप लोग के सामने है गाइस मी बैंड 3। और आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी मतलब है कि अच्छी क्वालिटी से बनाया है, और यहाँ पर जो इसकी लुक है वो भी काफ़ी प्यारी है। इसे साइड पर करते हैं, इसे पकड़ते हैं यहाँ पर और इसे मैं यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। चीज़ें साइड पे करते हैं और इसे मैं इस बैंड के अंदर डालता हूँ यहाँ से। और यहाँ से हम सिंपली इसे ये हो गया फिट यहाँ पर गाइस आप लोगों के सामने है। और एक स्टिकर लगा हुआ है उसे हटा लेते हैं हम यहाँ से ताकि आप लोग क्लियर हो जाए स्क्रीन इसकी। तो गाइस ये स्टिकर था इसके ऊपर, इसे यहाँ से अगर आप लोग प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑन हो चुका है यहाँ पर मी बैंड 3। यहाँ से आप लोगों को इसे प्रेस करके रखना पड़ेगा और ये ऑन हो जाएगा। तो गाइज ये रहा बैंड इसका। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके कुछ फीचर्स की, अब बात करते हैं कुछ इसके अंदर जो चीज़ें दी गई हैं उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को चाहिए एक iOS या आईफोन या एंड्रॉयड डिवाइस। तो मैं अपना स्मार्टफोन यहाँ पकड़ता हूँ और यहाँ देखते हैं मी फिट की ऐप है, इसे आप सिंपली जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आप लोगों को ऐप मिल जाएगी। और ये रहा आप लोग, ये रही आप लोगों के सामने ऐप गाइज। सिंपली यहाँ से पहले आप लोगों को साइन इन या साइन अप करना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग सिंपली मैंने साइन अप किया हुआ है तो मैं सिंपली साइन इन कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग कैसे इसे मोबाइल के सेटअप करना है सारा कुछ। तो गाइज यहाँ पर साइन इन हो रहा है और यहाँ पर साइन इन हो चुका है। मैंने पहले भी एक बार डाउनलोड की हुई है ऐप, तो एप्लीकेशन इज रिक्वेस्टिंग परमिशन। तो आप लोगों को सिंपली ब्लूटूथ जो है उसे ऑन अलाउ कर देना है यहाँ पर, और जो बैंड है आई थिंक ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा या फिर आप लोगों को सिंपली कनेक्ट करना पड़ेगा सेटिंग में जाकर। सिंपली मैं यहाँ पर सेटिंग में चलता हूँ इसकी और यहाँ पर देखते हैं कि जो बैंड है वो कनेक्ट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर तो कोई बैंड नहीं आ रहा अभी, विजिबल नहीं है। और देखते हैं हम यहाँ पर क्या करना है हमें। और तो कनेक्ट हो चुकी है यहाँ पर मी बैंड जो है कनेक्ट हो चुका है स्मार्टफोन के साथ, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया है। आप लोग इसे एक बार ऑन करेंगे और इस ऐप में लॉगिन हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर इसे ऑन कर देगा यहाँ पर। तो ये रही आप लोगों के सामने ऐप गाइज, यहाँ से आप लोग सिंपली अपना सारी इन्फॉर्मेशन अपने बारे में दे सकते हैं। इसे सिंपली यहाँ प्रोफाइल में आए तो यहाँ आप लोग सारी चीज़ें अपने बारे में यहाँ पर इसे बता सकते हैं कि मेरी एज क्या है, मेरा वेट क्या है, हाइट वगैरह। आप लोग अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है सारी यहाँ पर दे सकते हैं इसे। उसके अलावा यहाँ पर एक ये टैप टू, यहाँ पर अगर आप लोग आएंगे तो कुछ गाइड्स वगैरह बता रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये रहा बैंड। यहाँ पर आप लोग कह रहे हैं कि अप और डाउन करेंगे स्लाइड, इसे करेंगे ऐसे, तो ये आप लोग की जो फीचर्स हैं वो शो होंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को फीचर्स शो हो रहे हैं यहाँ पर, और हार्ट रेट है आई थिंक ये, और यहाँ पर वेदर वगैरह है, यहाँ पर कुछ मैसेज आई थिंक आइकॉन है यहाँ पर, और भी काफ़ी सारी आइकॉन्स हैं। उसके अलावा अगर हम आगे चले यहाँ पर तो लेफ्ट और राइट करेंगे आप लोग यहाँ पर, तो आप लोगों के सामने जो दूसरे आइटम्स हैं वो आप लोगों को शो हो जाएंगे, जो भी इसमें दूसरी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो सारा कुछ। बल ये तो शॉर्ट सा रिव्यू है इस डिवाइस का, मैं कोशिश करूँगा इसका फुल रिव्यू बनाने की और आप लोगों को बताने की जो मी बैंड ये है इसकी ओवरऑल मतलब है क्या फीचर्स हैं, कैसे यूज़ करना है, ओवरऑल क्या चीज़ें हैं इसके अंदर।
और अगर आप लोग बैक जाना चाहते हैं कहीं से भी, तो आप लोग सिंपली इस बटन को प्रेस करेंगे और आप लोग बैक हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आप लोग और, तो मतलब बहुत ज़्यादा फीचर्स तो यहाँ पर मुझे लग रहे हैं, और अब मैं सारा कुछ आप लोग को इस अनबॉक्सिंग वीडियो में तो नहीं बता सकता क्योंकि मैंने ये डिवाइस ये यूज़ नहीं किया पहले। बहरहाल ये फर्स्ट लुक है इस डिवाइस की मेरे पास और फर्स्ट अनबॉक्सिंग है किसी भी ब्रांड की, मी ब्रांड की। यहाँ पर तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इनके ब्रांड के साथ। बड़ी ये थी अनबॉक्सिंग शॉर्ट सी मी बैंड की। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। उसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें आप लोगों को तकरीबन सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ओवरऑल जो बैंड है वो भी काफ़ी फ्लेक्सिबल यहाँ पर दिया गया है, और उसके अलावा बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। 6,000 रुपीज़ इस डिवाइस का प्राइस रखा गया है। मैं इसके फुल रिव्यू की वीडियो या फिर दूसरी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि जो बैंड है ये आप लोग को लेना चाहिए या नहीं, ओवरऑल क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं इसके, और ओवरऑल क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं इसके अंदर जिनकी वजह से आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। ये थी ओवरऑल बॉक्स अनबॉक्सिंग मी बैंड 3 की। तो अगर आप लोग अनबॉक्सिंग पसंद आई है और आप लोग ऐसी अनबॉक्सिंग्स और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिए जो भी इस बैंड में इंटरेस्टेड हैं, जो भी फिटनेस वगैरह का अपनी ख्याल रखते हैं, तो उनके लिए आई थिंक ये हेल्पफुल हो सकता है ये बैंड। अगर आप लोग को अनबॉक्सिंग पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।